कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर और विधानसभा चुनावों के बीच 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022 पेश होने जा रहा है। ऐसे में आम आदमी को इस बजट से कई उम्मीदें हैं। बजट से क्या उम्मीदें हैं लोगों को, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, दिखाते हैं रिपोर्ट। आम बजट चुनावी मौसम में आ रहा है। कल 1 फरवरी को बजट पेश होने के 9 दिन बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, अब जब बजट आएगा तो आम जनता जरूर चाहेगी कि उनके फेवर में ये बजट हो, क्योंकि लगातार जो महंगाई है उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो परेशान जरूर हुई है। हम इस वक्त एक फैमिली में मौजूद हैं और कुछ फीमेल्स हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, वर्किंग नॉन वर्किंग, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट को लेकर के। आपके पास आऊंगी, क्या नाम है आपका? अल्पना, डॉक्टर अल्पना। अल्पना जी, कल बजट आ रहा है जी। क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है वो लगातार बढ़ी है, अब आप बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, बीइंग अ फीमेल या कह सकते हैं बीइंग अ वर्किंग फीमेल? देखिए, बजट में काफी बदलाव चाहते हैं हम लोग, क्योंकि एज अ वर्किंग लेडी हम जानते हैं कि वी आर द वन हु आर पेइंग टैक्स। हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हम राहतें भी चाहते हैं। आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर है, उसमें हम टैक्स भी पे करते हैं और एक तरफ अपने खर्चे में भी बढ़ा। आपको पता है कोविड में कोई ऐसा घर नहीं है, इवन हम लोग सब कोविड में इसकी मार से ग्रसित रहे हैं। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर में हम कटौती चाहेंगे कि सरकार इस तरफ तवज्जो दे और टैक्सेस को कम करे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तेल हर घर में हर समय यूज होता है, तेल से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो तेल के प्रति कोई एक पॉलिसी आनी चाहिए जिससे हमारे तेल उत्पादनों की भी बढ़ोतरी हो और टैक्सेस कटे। तीसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ा है पेंडेमिक की वजह से, उसमें भी मैं चाहूंगी कि इस अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ कुछ पॉलिसीज आए, क्योंकि जब परचेजिंग पावर नहीं होगी तो मार्केट की डिमांड कैटर नहीं होगी और महंगाई बढ़ेगी। एक तरफ जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा, गरीब को आप दे रहे हैं 1,000 रुपए 2,000 रुपए हर महीने, लेकिन जो एक्चुअल टैक्स पे करने वाले हम जैसे सरकारी कर्मचारी है या नॉन सरकारी कर्मचारी है, इनका क्या? सरकार में भी आप थोड़े थोड़े दिन पे डीए दे देते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में तो 4-4, 5-5 साल से तनख्वाह ही नहीं बढ़ी है। जब से पेंडेमिक आया है तब से कुछ हुआ ही नहीं है, या तो जॉब चले गए हैं या स्टैग्नेंट है या परसेंटेज कट हो गया है तनख्वाहों का। उस सेक्टर के ऊपर ये बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा भार है। तो नए बजट में उम्मीद करूंगी कि आम आदमी को कुछ, और दूसरी चीज हमारा जो टैक्स स्लैब है उसमें भी हम बदलाव चाहेंगे कि 2.5 लाख तो कम से कम हमें रिबेट मिलनी चाहिए 1.5 लाख की जगह। वो अगर नहीं आती है तो सरकारी कर्मचारी या नॉन सरकारी कर्मचारी जो टैक्स पेयर है उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है अब घर के एंड्स को मीट करना। बिल्कुल, यहाँ पर टैक्स की बात करें और महंगाई की बात करें तो जाहिर है थोड़ा बहुत उसमें कंसेशन या कह सकते हैं रिबेट चाहती हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या काट रही हैं आप, ये बीन्स काट, क्या लगता है इस बार अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो उसमें कितना बढ़े हैं दाम इस बार? जब आप मार्केट जाते हैं परचेजिंग करने के लिए और जब पहले जाते थे तो कितना एक अंतर महसूस करती हैं आप? हाँ, एक्चुअली काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि महंगाई तो बढ़ी रही है सारे फ्रूट्स पे, वेजिटेबल या राशन हम लेने जाते हैं, कोई भी दालें जाएंगे लेने, तो लगभग सब जगह बढ़ रहा है। तो अभी तो यही है कि नई बजट आ रही है तो हमें लगेगा कि वो अच्छा बजट दें, हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि हम आम लोग हैं तो चाहते हैं कि हर चीज़ में, क्योंकि किचन ऐसी चीज़ होती है कि हर समय उसमें कुछ ना कुछ हमें खरीदना ही है, तो जब जाओ तब वो महंगाई जाते हैं हम सोच के कि ये 1,500-2,000 का सामान आएगा और वो आता है जाके बहुत महंगा। तो कहीं ना कहीं जो बजट है वो जरूर गड़बड़ाता है। बिल्कुल। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है तो जो जायका है वो जेबों पर कितना भारी पड़ रहा है? आप मेरे ख्याल से शायद दूध बॉयल कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, और मेरे ख्याल से जो गैस सिलेंडर्स हैं वो भी लगातार इस बार काफी बार उनके दाम बढ़े हैं, क्या कहना है इसमें? सिलेंडर के दाम तो बढ़े ही हैं, साथ में जैसे कि आपने कहा जेब पे कितना फर्क पड़ा, तो हम लोग जैसे वीकली मार्केट सब्जी को वहां से सब्जी लेके आते हैं, तो पहले जो 300 रुपए में हम लोग के ले आते थे सब्जी, आज वो 500 रुपए की आ रही है। ठीक है, 300 रुपए मिले तो 200 रुपए तो आपको पर सप्ताह ही आपका बढ़ गया है, खर्चे में आ गया है। प्लस दूध के दाम भी बढ़े हैं, अब दूध का दाम बढ़ा है तो ऑब्वियसली पनीर के भी दाम बढ़ गए हैं, बटर के भी दाम बढ़ गए हैं, तो अब हम लोग को जो पहले हमेशा पनीर आता था एक बार को सोचना पड़ता है उसके लिए। तो इस तरह से हर सेक्टर में आप देखिए तो
और सब्जी के दाम बढ़ गए हैं तो गरीबों का भी आप सोचिए, प्लस जैसा भाभी ने कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए, तो जो लोअर लेवल है उसमें तो होना ही चाहिए, साथ में अपर लेवल में भी मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि आज जो 30 लाख की इनकम है वो भी उतना ही दे रहा है टैक्स, जिसकी 3 करोड़ है, और जो 30 करोड़ कमा रहा है बिजनेसमैन वो भी सब सेम टैक्स उस लेवल में आ जा रहे हैं, तो जो ज्यादा इनकम है 1 करोड़ के ऊपर उनके लिए भी अलग से टैक्स स्लैब लाना चाहिए। हाँ जी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या लगता है इस बार किस तरीके का बजट चाहती हैं बीइंग अ फीमेल जो कल पेश होने वाला है, क्या सरकार ध्यान रखे चीजों का इस बार बजट बनाते हुए? बेटे, सबसे पहले तो सरकार पेट्रोल का ध्यान रखे, जैसे पेट्रोल बहुत महंगाई के साथ साथ काफी बढ़ा है, पहले जैसे थे वैसे दाम थोड़े हम लोग के लिए ठीक रहे जी। बस पेट्रोल का ही मेन, बाकी तो सभी चीज के बढ़ रहे हैं, हर चुनाव के टाइम में बढ़ते हैं, वैसे हर सरकार के समय बढ़े हैं, तो यही बस चाहती हूँ कि पेट्रोल का दाम ठीक रहे। तो बिल्कुल चुनावी मौसम में बजट पेश होने वाला है और जितनी भी गृहिणियां हैं, वर्किंग नॉन वर्किंग फीमेल्स हैं, वो लगातार यही सरकार से दरखास्त कर रही हैं और उनका यही मानना है कि जो कल बजट पेश होना है वो थोड़ा सा उनके हित में या उनके ओर से भी पेश हो, ताकि आम जनता को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिले। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मैं निकिता सरीन।